वंदे मातरम स्टूडेंट्स, सो लास्ट टाइम हमने स्मार्ट चार्ट्स चैप्टर स्टार्ट किया था. सो इसमें हमने पढ़ा था नंबरिंग्स के बारे में. देन वी हैव स्टडाइड अबाउट कौन सी चीज़ कितने नंबर है और उसे हमें शो क्या करना है, ये चीज़ के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. और रिप्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, वन के कितने आए, टू के, डाइस फॉर्म्स जो हमने देखे थे वो हमने देखा था. देन आफ्टर दैट वी हैव सीन दिस क्वेश्चन दैट आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन देयर होम्स एंड फिल द टेबल्स. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हमने वो सारे सॉल्व आउट किए थे. और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पार्ट से. सो चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल, द नेक्स्ट पार्ट इज Children coming to school. इस picture को देखना है पहले. Look at the picture and feel the table. So number of students आपको यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, number of students tractor पर कितने हैं, फिर और क्या क्या tractor के अलावा और क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर. Bicycles दिख रही है, cars दिख रही है, कुछ students पैदल आ रहे हैं. तो tractor पर कितने लोग दिख रहे हैं हमें, तीन लोग दिख रहे हैं. 1, 2, 3. There are three students on a tractor. This is a tractor and there are three students on a tractor. कार में अगर पूछे तो कार में देखिए तीन लोग दिख रहे हैं हमें इस कार में, लेकिन दो स्टूडेंट्स और एक मदर है. Now we will see the next one. Three students are coming by a tractor. हमने यहाँ पे देखा तीन स्टूडेंट ट्रैक्टर से आ रहे हैं. वी राइट थ्री इन अ टेबल. ओके, वहीं पे अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कार, इफ़ आई राइट कार हियर, तो यहाँ पे क्या होंगे, दो होंगे, राइट. सो ऑल्सो ड्रॉ थ्री फेसेस ऑन अ टॉप ऑफ अ ट्रैक्टर इन द चार्ट. ड्रॉ फेसेस, अब ट्रैक्टर के फ्रंट में तीन दिखा दिए. वहीं पर अगर मैं देखूँ बस, तो बस में कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे ये देखिए बस में कितने स्टूडेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस तरीके से बस के आगे यहाँ पे 9 फेसेस बना दूँगी. आप लोगों ने पूरे फेसेस ड्रॉ करने हैं. यहाँ पे कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. इस तरीके से पूरे मतलब लाइन में आप लोग 9 फेसेस मैनेज करके यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए. बाईसाइकिल से जितने लोग आ रहे हैं, ऑन फुट जितने लोग आ रहे हैं, वो आपको लिखना है. Now the next one, how many in your class have never had a ride on me? तो आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स ऊँट पे नहीं बैठे हैं, तो ये चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है. और उस पर जितने स्टूडेंट्स नहीं, उतने फेसेस बनाने हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, द मोस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय. यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग पूरा एस्टिमेशन लगाते हैं. बस से कितने स्टूडेंट आए हैं, 9. कार से कितने, ब्लू कार से देखिए 2 और इससे 2, कार 2 ही है टोटल, तो कार से कितने होंगे, 4. ट्रैक्टर से 3, साइकिल से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 9, 10, 11, 11 बाईसाइकिल से, ठीक है. ऑन फुट कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 देन 7, 8, 8 स्टूडेंट्स ऑन फुट आ रहे हैं. और स्कूटर से 2 स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है. यानी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात करूँ तो किससे आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जिस चीज़ से आ रहे हैं वो आपको लिखना. हमने पूरा एस्टिमेशन लगा लिया. सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे बाईसाइकिल से आ रहे हैं, 11 स्टूडेंट्स विच आर. सो यहाँ पे क्या हो गया, द मोस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय बाईसाइकिल. आप लोग चेक कर सकते हो जो भी आंसर होगा, एक एक स्टूडेंट आपने गिनना, जो राइट आंसर होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉकिंग टू स्कूल बाय इज डैश डैश मोर और लेस देन द स्टूडेंट्स कमिंग ऑन अ बाईसाइकिल. तो वॉकिंग वाले जो स्टूडेंट है मोर है या लेस है बाईसाइकिल वालों से. बाईसाइकिल 11 थे और वॉकिंग वाले 8 थे, तो क्या होगा, लेस. इज इट क्लियर, दिस इज लेस. नाउ द लीस्ट स्टूडेंट कम टू स्कूल बाय. सबसे पैदल नहीं, स्कूटर से सबसे कम लोग आ रहे थे, तो हम क्या लिखें, द लीस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय स्कूटर. This is scooter. So isn't this a chart smart? Okay. By simply looking at it, we can know how so much. Let us make more such charts. So make your own charts about things around you. So for example,
विच बर्ड्स हैव द मोस्ट कलर्स, कौन सी बर्ड्स के सबसे ज़्यादा कलर्स होते हैं, जैसे पैरेट के पास हमें कौन कौन से कलर देखने को मिलेंगे, वाइट ब्लैक आँख में, रेड उसकी चोंच में और ग्रीन उसकी पूरी बॉडी पर, ब्राउन कलर उसके पैरों में, ठीक है। पिकॉक की बात करते हैं तो पिकॉक में ग्रीन, ब्लू, थोड़ा सा पर्पलिश लुक होता है, हल्का सा रेडिश लुक हमें मिलता है, शाइनिंग ब्लू होता है, तो इस तरीके से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द एनिमल विच इज़ लाइक्ड मोस्ट एज अ पेट। सो आपके आसपास कई टाइप के पेट्स आपको देखने को मिलेंगे, विच आर सम बर्ड्स, सम पीपल्स पैट द बर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल पैरट, कुछ लोग पैरट्स, कुछ लोग चिड़िया, सम पीपल्स पैट देम एज अ डॉग्स एंड कैट्स, ओके। तो कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स, काफ़ी लोग एज अ पैट उन्हें पालते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद किया जाता है? मोस्टली आप अपने आस पास देखोगे तो डॉग्स को मोस्टली पाला जाता है, तो आपने नंबर लिखने हैं, ओके। समझिए डॉग्स को 5 लोग पसंद करते हैं, तो आपने लिखना है 5 के आगे डॉग। कैट्स को 3 लोग पसंद करते हैं, तो आपने उसके आगे इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपने जमा करनी है। इज़ इट क्लियर? नाउ अ वेजिटेबल यू डू नॉट लाइक, आपको कौन सी वेजिटेबल्स पसंद नहीं है एंड विच वेजिटेबल इज़ मोस्ट डिसलाइक्ड। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन मैं बोलती हूँ बीटर गार्ड यानी करेला, ठीक है। करेला कितने लोगों को नहीं पसंद? फॉर एग्जांपल 14 लोगों को करेला नहीं पसंद। फिर टोमेटो 3 लोगों को नहीं पसंद, पोटैटो 5 लोगों को नहीं पसंद। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिसलाइक्ड कौन सा वेजिटेबल हुआ? इट इज़ बीटर गार्ड यानी करेला। ये आप टोटल इमेजिनेशन के बेस पे सॉल्व कर सकते हो। यूज़ दिस टेबल टू ड्रॉ फेसेस इन द चार्ट्स। अब मैंने कहा था कि 14 लोगों को या फिर 11 लोगों को या फिर 3 लोगों को टोमेटो नहीं पसंद, तो इसमें मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 3 वेजिटेबल्स का, 4 वेजिटेबल्स का बनाया गया है। फर्स्ट वाला मैं रखती टोमेटो के लिए, मैंने क्या कहा था 3 लोगों को टोमेटो नहीं पसंद, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर 3 फेसेस इस तरह से ड्रॉ कर दूँगी। ये वाला मैं रखती पोटैटो के लिए, ये पोटैटो के लिए रखते हैं। पोटैटो को कितने लोगों को नहीं पसंद? 5 लोगों को, तो मैं 5 फेसेस ऊपर से इस तरह ड्रॉ कर दूंगी लाइन से, अच्छे से प्रॉपर आपको 5 फेसेस ड्रॉ करने। सो इस तरीके से यू कैन सॉल्व दिस चार्ट। सो दिस इज़ हाउ आर चैप्टर स्मार्ट चार्ट्स इज कंप्लीटेड। सो इसकी आपको एक्सरसाइज सेंड कर दी जाएगी, आपने वो सॉल्व करनी है, और ये चैप्टर में जो ये ब्लैंक स्पेसेस है सारी इन्फॉर्मेशन आपने वीडियो देखकर फिलअप करनी है। ये जो भी ब्लैंक स्पेसेस आपको दिख रहे हैं वो आपने क्या करने हैं, वीडियो देखनी है और फिर उसे सॉल्व करना है। थैंक यू।